गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है स्वस्थ ही होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने उसी टॉपिक पर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, दैट इज द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में बेटा हमने कल नियर अबाउट टू टॉपिक्स पर डिस्कशन किया था, ओके? और आज जो हम रिवाइज करने वाले हैं वो है क्रॉपिंग पैटर्न। वो क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न मतलब क्या है? दैट मीन्स हमारे यहाँ पर कितने टोटल हम सीजन्स लेते हैं ग्रोइंग के, ओके? सो बेटा नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग क्लाइमेट है, अलग अलग हम यहाँ पे देखते हैं टेम्परेचर कंडीशंस अलग हैं, और हमारे इंडिया के अंदर जो सॉइल की कैटेगरीज है वो भी बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब है काफी सारी सॉइल्स की टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल है। इन दैट रीजन जो रेनफॉल का अमाउंट है या फिर सनलाइट है, उन सब के अकॉर्डिंग हम जो क्रॉपिंग पैटर्न है उनको मेनली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओनली थ्री कैटेगरीज में, जो कि हमने क्लास एट से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एट नाइन टेंथ में भी, जिसमें रबी, खरीफ और जायद, ये थ्री मेन क्रॉप्स आती हैं, ओके? थ्री मेन क्रॉप्स के सीजन आते हैं। सबसे पहला रबी है, दूसरा खरीफ है और तीसरा कौन सा है? जायद है, ओके? तो इनके बारे में हम डिटेल में रीड करेंगे। इससे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक, क्रॉपिंग पैटर्न। सो देर आर आल्सो रिफ्लेक्टेड इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। सो बेटा जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो भी हाईली रिफ्लेक्टेड है हमारे देश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हर एक जगह पर टेम्परेचर अलग होता है, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, इन सब का अमाउंट भी अलग अलग है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर सॉइल की कैटेगरीज है वो बहुत ज्यादा है। इस कारण से यहाँ पर हम मेनली क्रॉपिंग पैटर्न्स को थ्री कैटेगरीज में रखते हैं, ओके? सो देर आर मेनली थ्री क्रॉपिंग पैटर्न, दैट इज रबी, खरीफ और जायद। हमने यहाँ पर उनको कैटेगराइज किया हुआ है रबी, खरीफ और जायद को। उसका हमने ग्रोइंग सीजन मेंशन किया है, हार्वेस्टिंग लिखा है, मेजर क्रॉप लिखा है, ग्रोइंग जिसको हम सोइंग पीरियड भी कहते हैं। कहने का मतलब जो उसकी हम उगाना डालना स्टार्ट करते हैं, सीड्स की सोइंग करते हैं, ओके? तो वो टाइम पीरियड है हार्वेस्टिंग, जब कटने का टाइम होता है, मेजर क्रॉप्स। तो ग्रोइंग पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले रबी क्रॉप आती है, और रबी क्रॉप का जो सोइंग पीरियड होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है। कब से कब तक? अक्टूबर से नवंबर, यानी कि आफ्टर मानसून। मानसून के जस्ट बाद में जो हम एग्रीकल्चर क्रॉप लेते हैं वही रबी क्रॉप्स की कैटेगरी के अंदर आती है, ओके? और उसका हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड जो होता है वो अप्रैल और मई मंथ में होता है, और वीट जैसे हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा होती है, ओके? और वीट का जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड वो कब से कब तक है? जैसे लगभग मार्च के एंड से स्टार्ट हो जाता है और मेनली अप्रैल और मई में होता है, मेनली तो अप्रैल के अंदर ही होता है। इन दैट रीजन यहाँ पर अप्रैल और मई मंथ को हम हार्वेस्टिंग मंथ मानते हैं। अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं तो वीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, ओके? ये सब क्या है? मेजर क्रॉप्स है। किसकी? रबी सीजन की, ओके? ऐसा समझ में? फिर से बता देता हूं, रबी फर्स्ट टाइप है क्रॉपिंग पैटर्न का, जिसका ग्रोइंग सीजन होता है, सोइंग पीरियड होता है अक्टूबर से नवंबर, हार्वेस्टिंग होता है अप्रैल से मई मंथ, और इसमें मेजर क्रॉप्स आती है वीट, बार्ले और मस्टर्ड, और भी कई सारी क्रॉप्स हैं, ओके? जो कि हमने आपको लिखवा रखा है। नेक्स्ट आता है बेटा खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट कौन सा है? खरीफ। प्रेजेंटली जो सीजन चल रहा है एट प्रेजेंट हमारे एरिया में या कहीं पे भी जो सीजन चल रहा है और जितनी भी एग्रीकल्चर होती है वो सब किस में आती है? खरीफ में आती है। इसको हम मानसून सीजन भी कह सकते हैं, मानसून क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी क्रॉप मेनली किसके ऊपर डिपेंड करती है? मानसून के ऊपर डिपेंड करती है, ओके? सो इसका जो सोइंग पीरियड होता है वो जून से जुलाई होता है, क्योंकि जून जुलाई में क्या आता है? मानसून आता है। इन दैट रीजन को हम मानसून क्रॉप भी कह सकते हैं। दूसरा हार्वेस्टिंग जो टाइम पीरियड है वो सेप्टेम्बर और अक्टूबर मंथ में होता है। कहने का मतलब जो इसका कटाई का टाइम है वो सितंबर अक्टूबर में लगभग फ्री हो जाते हैं। और मेन क्रॉप्स की अगर बात करें तो राइस है, मेज है, बाजरा है, ये सब किसमें आता है? खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। दूसरा माइंड में एक क्वेश्चन भी आ रहा होगा
कि जो राइस है, राइस बेटा ऑल सीजन में ग्रो होता है, रबी में भी है, कुछ खरीफ में भी है, मेनली तो खरीफ में आता है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इसको हम रबी में भी रखते हैं, इसमें ग्रो करते हैं, रबी के अंदर भी ग्रो करते हैं। ओके, तो ये ऑल टाइम चलने वाली एग्रीकल्चर है, स्पेशली राइस, लेकिन फिर भी हम इसको किस में रखते हैं, खरीफ की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। आया समय में फिर से बता देता हूं, रबी है जून से जुलाई इसका सोइंग पीरियड होता है, हार्वेस्टिंग सितंबर से अक्टूबर है, और मेन क्रॉप होती है राइस, मेज और बाजरा। क्लियर। लास्ट आता है बेटा जायद क्रॉप, जिसको हम कैश क्रॉप भी कहते हैं। जायद क्रॉप का दूसरा नाम क्या है, कैश क्रॉप है। कैश क्रॉप का मतलब क्या है, डायरेक्ट हम प्लक करते हैं खेतों से, फील्ड से, और मार्केट के अंदर सेल आउट कराते हैं। इन दैट रीजन इसी को हम क्या कहते हैं, कैश क्रॉप कहते हैं, जितने भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स है। ओके, फ्रूट्स इस टाइम पीरियड में जैसे मस्त मेलन है, वाटर मेलन है, ओके, ये कई सारे, और ऑल वेजिटेबल्स है, कुकुम्बर है, ये सब किस में आते हैं, जायद क्रॉप में आते हैं। और इसका जो टाइम सीजन होता है मार्च से जून होता है, मार्च से जून में इसको सोइंग भी करते हैं, और मार्च से जून में इसका हार्वेस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे ही ये हमारी प्रिपेयर हो जाती है, मार्च के अंदर अगर हमने ग्रो किया, मार्च में पूरी तरह से तैयार हो गया, तो तभी उसको हम हार्वेस्ट भी कर लेते हैं, और कंटिन्यू जून तक इसका सीजन चलता है। ओके, तो इसमें बेटा वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, और साथ में वाटरमेलन, मस्कमेलन, ये सब किसमें आता है, कुकुम्बर, सभी जायद क्रॉप या कैश क्रॉप के अंदर आता है। आया समझ में। तो ये थ्री मेन क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया के अंदर, जिसमें पहला रबी है, दूसरा खरीफ है, और तीसरा जायद है। रबी जो कि आफ्टर मानसून होता है, और खरीफ ऑन मानसून टाइम पीरियड होता है, और जायद इन दोनों के बीच में जो गैप है, रबी और खरीफ के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है, वो किसका रेफर करता है, जायद क्रॉप को रेफर करता है। ओके, इसका हार्वेस्टिंग, ग्रोइंग और मेजर क्रॉप आपको बता दी गई है, सही ढंग से इनको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट आता है बेटा मेजर क्रॉप्स। अगर हम भारत में मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं, तो काफी सारी क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो होती हैं, जिसमें मेनली राइस है, क्योंकि राइस हमारे इंडिया में तकरीबन 60% पॉपुलेशन एज ए स्टेपल फूड यूज करती है। हाउ मेनी, 60% पीपल्स इंडिया में राइस को एज अ स्टेपल फूड यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है वीट। राइस के बाद में जो दूसरे नंबर पे आती है एज ए स्टेपल फूड, वो वीट है। ओके, भारत की तकरीबन 40% पॉपुलेशन वीट को एज ए स्टेपल फूड यूज करती है। दूसरा बेटा मिलेट्स, हिंदी में मोटा अनाज कहते हैं, जिसमें राई, बाजरा, ओके, ये सब आता है। नेक्स्ट है पल्सेस, जितने भी दालें हैं वो भी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। टी कॉमर्शियल क्रॉप भी है, कॉफी आल्सो ए कॉमर्शियल क्रॉप, सुगर केन आल्सो ए कॉमर्शियल क्रॉप, ओएल सीड में काफी कुछ है, लिंसीड है, मस्टर्ड है, ग्राउंड नट है, ये सब किसमें आते हैं, ओएल सीड में आते हैं। नेक्स्ट कॉटन और जूट। कॉटन जूट किसमें है, फाइबर क्रॉप्स के अंदर है। किसमें है, फाइबर क्रॉप्स का मीन्स है, जिसमें हम एज ए रॉ मेटेरियल यूज करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। ओके, तो ये हमारी मेजर क्रॉप्स है, जो कि इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सीजन में, और डिफरेंट वाटर की रिक्वायरमेंट के साथ ग्रो की जाती है। ओके, ऐसा नहीं है कि ऑल क्रॉप्स के लिए एक सीजन होता है, ऑल क्रॉप्स को सेम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर ऑल जो आपकी एग्रीकल्चर है उनको सेम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सबकी अलग अलग डिमांड है। ओके, उसी डिमांड के अकॉर्डिंग इनको सीजन वाइज डिवाइड किया गया है। इनका डिस्कशन करेंगे हम उसमें नेक्स्ट में। एक आज बता देते हैं, वो है बेटा वीट। जैसा हमने बताया, वीट जो हमारे इंडिया के अंदर तकरीबन 40% पॉपुलेशन एज ए स्टेपल फूड यूज करती है, और अगर हम मेनली स्टेट्स की बात करें, तो हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है इसका, वीट का। ओके, कुछ पार्ट वैसे हिमाचल में भी होता है, उत्तराखंड के अंदर भी प्रोडक्शन होता है, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी है, लेकिन मेनली जो स्टेट्स उभर के आए हैं वीट के लिए, वो दो स्टेट्स जाने जाते हैं, कौन कौन से, हरियाणा और पंजाब। ओके, सो बेटा मेजर स्टेपल फूड फॉर 40% इंडियन पीपल्स, तकरीबन 40% लोग एज ए स्टेपल फूड का यूज करते हैं।
सोइंग पीरियड की अगर बात करते हैं तो विंटर में स्टार्ट होता है, विंटर मतलब अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होता है, ओके, जैसे ही मानसून एंड होता है, ओवर होता है। दूसरा, टेम्परेचर रिक्वायर्ड अलग अलग है, जब इसका सोइंग पीरियड होता है तो सोइंग पीरियड में थोड़ा हॉट चाहिए होता है, इसकी ग्रोइंग जब टाइम पीरियड होता है, राइपिंग का टाइम पीरियड होता है तब उसको अलग चाहिए होता है, और जब हार्वेस्टिंग होता है तो हार्वेस्टिंग में फिर से वही 35 के आसपास आ जाता है। कहने का मतलब है इसका टेम्परेचर रिक्वायर्ड वेरीज है, दैट मींस 15 से 35 डिग्री सेल्सियस, सोइंग पीरियड अलग, ग्रोइंग में अलग, हार्वेस्टिंग में अलग होता है, क्लियर। उसी तरह से अगर हम वाटर रेनफॉल की रिक्वायरमेंट करते हैं तो वाटर रिक्वायरमेंट यहाँ पर तकरीबन 50 से 70 सेंटीमीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, वीट के लिए, ओके बेटा। तो आज ये टॉपिक अपना सही ढंग से प्रिपेयर कर लेना, बाकी के नेक्स्ट उसमें अगली वीडियो के अंदर बता देंगे, ठीक है बेटा। सही ढंग से अपना रिवाइज करना, कल आपका टेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक, सही ढंग से, ओके, गुड बाय।